पांच महीने से ठप पड़ी अंतागढ़ टेपकांड की जांच में फिर तेजी आ गई है। इसकी जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में पूर्व सीएम अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी, पूर्व विधायक मंतुराम पवार और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता को नोटिस जारी कर दिया है। सभी को पूछताछ और वॉइस सैंपल के लिए 25 जून को सुबह 10:30 बजे गंज स्थित साइबर सेल के थाने में बुलाया गया है। यहाँ एसआईटी चीफ अभिषेक महेश्वरी और उनकी टीम इन सभी लोगों से पूछताछ करेगी। आवाज का सैंपल भी लिया जाएगा। इसका मिलान कथित तौर पर मोबाइल में दर्ज ऑडियो रिकॉर्ड से किया जाएगा। ऑडियो में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी की खरीद फरोख्त को लेकर बातचीत की गई है। उनकी वॉइस रिकॉर्ड को फॉरेंसिक लैब भेजकर कथित टैप से मिलाया जाएगा। बता दें, अंतागढ़ टेपकांड को लेकर 2014 से राजनीति हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने कई बार पुलिस में शिकायत की है और प्रदर्शन भी किया है। तो हमारे साथ इसी खबर पर जानकारी के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। हेमंत, अंतागढ़ टेपकांड की आज जांच हो रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अंतागढ़ टेपकांड मामले की जो जांच है वो लोकसभा चुनाव के वजह से अटकी हुई थी और इसी वजह से जांच में जो विराम सा लग गया था और अब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है तो फिर अंतागढ़ टेपकांड मामले में जो जांच है वो अब तेज हो गया है। कल जिस तरीके से हमने पहले ही जो एसएसपी आरिफ शेख हैं उनसे बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अब जांच तेज हो गई है और जो तथाकथित आरोपी हैं जिनके नाम से इस मामले को लेकर पंडित थाने में एफआईआर दर्ज है, जो कांग्रेस की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं किरणमयी नायक, उन्होंने मंतूराम पवार, डॉक्टर पुनीत गुप्ता, अमित जोगी, अजीत जोगी और राजेश मुरत तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था। तो उसी के तहत वॉइस सैंपल लेने के लिए अमित जोगी, अजीत जोगी, मंतूराम पवार, पुनीत गुप्ता, इन सभी को बुलाया गया है। मंतूराम और पुनीत को 24 को बुलाया गया है और अमित और अजीत जोगी को 25 को जो एसआईटी की ऑफिस है गंज थाना में वहां पर आने कहा गया है। तो कहीं ना कहीं अब जांच तेज हो गई है और कई सारे तथ्य अब खुलकर सामने आएंगे, क्योंकि जो टेप सामने आया था उसमें अमित जोगी, अजीत जोगी और जो तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है उनका उसमें आवाज है। तो इसी को जानने की कोशिश सोसाइटी करेगी कि आखिरकार उनका आवाज वास्तविक उनका आवाज है या किसी और का है। इसलिए वॉइस सैंपल उस दिन लिया जाएगा। उसके बाद वॉइस सैंपल लेने के बाद साइबर जो है साइबर एक्सपर्ट के पास उसकी जांच कराई जाएगी, साइबर जो ऑफिस है वहां भेजा जाएगा। तो उसके बाद ये खुलकर सामने आ पाएगा कि आखिरकार उनकी आवाज वास्तविक है या नहीं, इसी को जानने की कोशिश सीआरटी करेगी। और इसके अलावा वॉइस सैंपल लेने के साथ साथ अमित जोगी और अजीत जोगी, क्योंकि जब से अंतागढ़ टेपकांड मामले की एसआईटी जांच कर रही है अमित जोगी और अजीत जोगी को नहीं बुलाया गया था, हालांकि उनको नोटिस जरूर दिया गया था लेकिन वो नहीं आए थे। तो उनसे पहली बार पूछताछ भी होगी क्योंकि पहली बार वो ऑफिस आ रहे हैं वॉइस सैंपल देने के लिए, तो उनसे पूछताछ भी होगी। हालांकि अमित जोगी ने कल कहा था कि ये नोटिस गलत है, वो इस नोटिस का जवाब हाईकोर्ट में देंगे क्योंकि हाईकोर्ट में कहा गया है कि किसी भी तरीके से उनसे पूछताछ नहीं हो सकती। तो हालांकि अब 24 तारीख को ये देखने वाली बात होगी और 25 दोनों दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है छत्तीसगढ़ के लिहाज से। और इन दोनों दिन जो तथाकथित आरोपी हैं अंतागढ़ टेपकांड के जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है वो सामने होते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल उस दिन रहेगा। हालांकि अमित जोगी की संभावना कम है, वो कुछ न कुछ वो आवेदन देकर ये कोशिश करेंगे कि वो पूछताछ के लिए ना जाए, वॉइस सैंपल कर ना जाए। लेकिन मंतूराम पवार मास्टरमाइंड मंतूराम ही थे, मंतूराम पवार पहले कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी घोषित हुए, उसके बाद जब नामांकन एक दिन बचा था, नामांकन की लास्ट तारीख थी, उसी वक्त उन्होंने नाम वापस ले लिया था। तो उसके बाद
बीजेपी के उसमें चुनाव वो उन्होंने लड़ा था, तो कहीं ना कहीं अब इस मामले को लेकर पर्दाफाश होने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसे राज जो है वो खुलकर अब सामने आ जाएंगे। बिल्कुल हेमंत, 25 जून को 10:30 बजे साइबर सेल में इनको बुलाया गया है, वॉइस सैंपल लिया जाएगा, जिसके बाद वॉइस सैंपल फॉरेंसिक टीम में जांच के लिए भेजा जाएगा। दरअसल 2014 से इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है, अभी तक कोई पुख्ता निष्कर्ष क्यों नहीं निकल पा रहा है। देखिए, अगर इस मामले में एसआईटी की मैं जांच की बात करूं तो पिछले 4 महीनों से एसआईटी की जांच इसमें हो रही है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई, उन्होंने अंतर्गत टेप कांड मामले के एसआईटी जांच के आदेश दिए। उसके बाद एसआईटी के सदस्यों की नियुक्ति हुई, जांच चालू हुई, और जो इस पूरे घटनाक्रम के जो मास्टरमाइंड है फिरोज सिद्दीकी ने ही, ये जानना जरूरी है लोगों के लिए कि फिरोज सिद्दीकी ने ही जो टेप था वो जारी किया था, और उसमें पूरी भूमिका फिरोज सिद्दीकी की मानी जाती है। हालांकि ये बात और है कि फिरोज सिद्दीकी को सरकारी जो गवाह है वो बनाया गया है। इसके अलावा एक अमीन मेमन कांग्रेस के नेता हैं, और अजीत जोगी से भी उनका खासा रिश्ता रहा है। जनता कांग्रेस में भी वो पार्टी में भी शामिल रहे हैं, हालांकि वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं। उनसे भी पूछताछ हुई जी थी, कलमबद्ध बने रहिए बयान हेमंत, भी। अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो दर्शकों को एक और महत्वपूर्ण